हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में बताने जा रहा हूँ कुछ कंफ्यूजिंग वर्ड्स जो साउंड और स्पेलिंग में ऑलमोस्ट सेम होते हैं, लेकिन उनके लिखने और उनके जो सेंस आता है उसमें थोड़ा डिफरेंट होता है। चलिए देखते हैं। पहला वर्ड क्या है? ऑलरेडी। ऑलरेडी देखिए, ALREADY, ऑलरेडी का मतलब होता है पहले से ही। जैसे मैं पहले से ही उससे मिल चुका हूँ, तो आई हैव ऑलरेडी मेट हर, ठीक है। और दूसरा क्या है? ऑलरेडी, ALREADY, मतलब पूरी तरह से, सब ठीक है, सबके सब, ठीक है, सबके सब दर्शक जाने को थे। द विजिटर्स वर ऑल रेडी टू गो। ऑल टुगेदर का मतलब पूरी तरह से, और ऑल टुगेदर का मतलब सब एक साथ, ठीक है। मैं पूरी तरह तुम्हारे साथ था। आई वॉच ऑल टुगेदर विथ यू, और वे सारे एक साथ चिल्लाए। दे ऑल टुगेदर शाउटेड। अरेंज करना, सजा देना, और अरेंज करना, ARRANGE का मतलब होता है दोष लगाना या आरोप लगाना, ठीक है। अपनी चीज़ों को अच्छी तरह सजाओ। अरेंज योर थिंग्स एंड, तुम्हें विरुद्ध एक आरोप है। देयर इज एन अरेंजमेंट अगेंस्ट यू। तो अरेंज मीन्स क्या होता है? ब्लेम लगाना या किसी को कंप्लेन करना। एंजल का मतलब होता है देवदूत, और एंगल का मतलब होता है कोण। ANGEL एंगल, एंजल, और ANGLE एंगल, एंगल का मतलब कोण। अब इनसे इनका डिफरेंट आपने देखिए, एक एंजल है, दूसरा एंगल है। एग्जाम्पल, तुम एक फरिश्ते हो मेरे लिए, यू आर एन एंजल फॉर मी, और इसे इस कोण से देखो, व्यू इट फ्रॉम दिस एंगल। ऑडिट का मतलब होता है हिसाब करना, और एडिट का मतलब करेक्शन करना। AUDIT ऑडिट, हमें सारे खातों की जांच करनी है। वी हैव टू ऑडिट ऑल द अकाउंट। इस किताब का संपादन किसने किया? हु हैज़ एडिटेड दिस बुक। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा इन वर्ड्स का डिफरेंट, एंजल और एंगल के बीच, अरेंज और अरेंज के बीच, और ऑल टुगेदर के बीच, ऑलरेडी और ऑलरेडी के बीच। सो सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स।